हाय गाइस, हमें तो मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए ये हो गया गाजर और फूल गोभी, शिमला मिर्च और प्याज को हमने कद्दूकस कर लिया था। और दूसरा जो हमें ये है अदरक और लाल मिर्च, और ये हो गया टमाटो प्योरी। ये हमें थोड़ा सा मैदा चाहिए इसके लिए। ये हो गया गाजर, शिमला मिर्च और गोभी। ये थोड़े से हमें प्याज चाहिए, और ये मैंने मैदे का पेस्ट बनाया था 1 चम्मच मैदे में, और ये हमें सोया सॉस। तो गाइस, अब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। मैं 2 चम्मच मैदा ऐड करूँगी, 2 या 3। अब हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लिया था, अब इनके हम छोटे छोटे मंचूरियन बना देंगे। साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हो, देख लिए कितनी इजी बन गया है। गोल गोल बॉल बॉल टाइप के बना लेंगे हम। ये देखिए, तो गाइस हमारे मंचूरियन बनके बिल्कुल तैयार है। अब इन्हें हम कढ़ाई में तलेंगे। तो गाइस, तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम मंचूरियन बॉल ऐड करेंगे। तेल हमें ज्यादा गरम नहीं करना, हल्के गरम ही सही है तेल। तो गाइस, इसमें ब्राउन कलर आ गया है, और जब ये हल्का ब्राउन कलर आ जाए इसमें, तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो गाइस, इसमें पूरा ब्राउन कलर आ गया है, ये देखिए अभी बिल्कुल रेडी है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो गाइस, ये बिल्कुल बनके तैयार है, अब इन्हें हम तेल से निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल तैयार हो गए हमारे मंचूरियन बन गए। तो गाइस, अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम मंचूरियन भी हमारे तैयार है। देखिए, मंचूरियन बिल्कुल तैयार है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमारा गर्म है, तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे। गाइस, ये जो मंचूरियन हम बना रहे हैं वो ग्रेवी मंचूरियन बना रहे हैं, और ड्राई मंचूरियन नहीं बना रहे हैं। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे और जो हमने लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाया था, ये लाल साबुत मिर्च है, इसे थोड़ी देर हमने पानी में भिगो दिया था, फिर लहसुन के साथ हमने इसे मिक्सी में पीस लिया। इससे जो टेस्ट आएगा ना, वो मंचूरियन का टेस्ट ही अलग होगा, बिल्कुल टेस्ट बदल जाएगा। इसको हम 3 से 4 मिनट तक तेल में फ्राई करेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए, मिर्च का भी और लहसुन का भी। तो गाइस, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर सॉस, 2 चम्मच ऐड करूंगी। Thank you.
इसमें ऐड करेंगे हरे प्याज। तो गाइस अब हमने इसमें हरे प्याज ऐड कर दिया है। हमारी अब हम ऐड कर देंगे जो हमारी गोभी, गाजर, शिमला मिर्च थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट तक हम इसे धीमी आंच में पकाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच ताकि हमारी सब्जी इजीली गल जाए। और थोड़ी सी मिर्ची ऐड करूंगी। और अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। वेजिटेबल्स का देखिए कितना अच्छा कलर आया। ये जो हमारी गाजर और जो भी वेजिटेबल्स थी ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। बस हमें इसे इतना ही पकाना है कि इसमें क्रिस्पी बनाए। और ये बिल्कुल हो गया, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस। गाइस ये डार्क वाला सोया सॉस है, ये कम से कम 2 चम्मच हमने ऐड कर दिया है इसमें सोया सॉस। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। गाइस सॉस को हमें ज्यादा पकाना नहीं है। तो गाइस अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, क्योंकि मैं ग्रेवी वाला मंचूरियन बना रही हूँ इसलिए। तो गाइस हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने मैदे का पेस्ट बनाया था, मैदे और पानी का, अब मैं वो ऐड कर दूंगी। इससे क्या होगा जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी। इसे हम 2 से 3 मिनट चलाएंगे। ये देखिए ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई है। 2 से 3 मिनट हम इसे चलाएंगे ताकि ये ग्रेवी, ताकि मैदा ग्रेवी में अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए। तो हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मंचूरियन बॉल। मंचूरियन बॉल्स हम ऐड कर देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको अगर ग्रेवी थोड़ी ड्राई चाहिए तो आप ड्राई वाली कर सकते हो। अगर ग्रेवी तो गाइस हमारे मंचूरियन बिल्कुल तैयार है। गाइस अभी हम मंचूरियन को थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे। इसकी जो तरी है वो मंचूरियन में ऐड होगी तो तभी इसमें फ्लेवर आएगा मंचूरियन में। तो गाइस ये मंचूरियन की रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज हमारी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। ओके बाय बाय।